क्या क्या आज नहीं नहीं बोले बोले क्या बता रहा ना ले मौका निकाह पे अदा कर दिया गया है। रूबरू इन गवाहों के रूबरू हाजरीन मजलिस के अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते हुए सुन्नत मोहम्मदी के मुताबिक बराए हलाल ज़ौजियत के मोहम्मद अजहर जावेद की साहबजादी माहम हाशमी का निकाह आपके साथ किया, आपने कबूल किया? जी कबूल, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। भाई देखते हैं और बेबी भी दे दो। जी आज का ड्रेस, ये इसका दुपट्टा मैंने नीचे रखा था ताकि आप लोगों को प्रॉपर ना नजर आ जाए। ये फ्रिल लगी हुई है सब दुपट्टे पे ना, चारों साइड्स पे फ्रिल लगी हुई है, ठीक है। ये है शर्ट, लॉन्ग शर्ट है, ये तो 3D वर्क हुआ हुआ है। ये देखिए, उसके बाद ये इसका नीचे से इस तरह लेसेस लगी हुई है। ये इसका ट्राउजर है और ये ज्वेलरी है इसके साथ पहनने के लिए, एयरिंग्स हैं और ये नेकलेस है। नेकलेस देखूंगी, अगर अच्छा लगा तो पहनूंगी, वरना सिर्फ एयरिंग्स पहनूंगी, वो फिर बाद में देखते हैं तैयार होकर। ये जी सूट की ओवरऑल लुक है। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं आप लोग तो इस तरह ले लें, शर्ट इस तरह क्लियर नज़र आ रही है और दुपट्टे की इस तरह ले लें कि सारी फ्रिल लगी हुई है। चलें जी अब शुरुआत करते हैं, रेडी होना, टाइम थोड़ा है, मुकाबला सख्त सख्त है। चलें जी कवाली नाइट पे चलते हैं। उससे पहले जी तैयारी शारी करनी बहुत ज़रूरी है, तैयार शहर होते हैं। अच्छा कवाली नाइट पे मोस्टली ना या निकाह पे एक ही कलर का ड्रेस पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है, या ब्लैक पहन लो या ब्लू पहन लो या पिंक पहन लो, मतलब कि फुल एक ही तरह का ड्रेस पहनने का आजकल ना बहुत ट्रेंड चल रहा है, बहुत अच्छा लगता है एक ही कलर का ड्रेस पहना हुआ। ये हम लोग ने ओले की मॉइस्चराइजर क्रीम लगाई, इसको ब्लेंड कर लिया। इसका फ़ायदा ये होता है इसको लगाने के बाद बेस की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। अब कपड़े चेंज करते हैं। ये जी कपड़े चेंज हो गए, शर्ट मैंने इसलिए पहन ली थी, बाद में जब पहनती तो बेस लग जाती शर्ट के गले पे, फिर वो बुरी लगती है। आई मेकअप शुरू करते हैं। आई मेकअप शुरू इस तरह करते हैं, सबसे पहले मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया मेकअप रेवोल्यूशन का, ये बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ये आप लोगों को कहीं भी मिल जाएगा, ऑनलाइन गूगल पे लिख के सर्च करें मेकअप रेवोल्यूशन ऑनलाइन पाकिस्तान, आप लोग को कोई ना कोई चीज़ मिली जाएगी। उसके बाद लैश आउट का ये ब्रो जेल के साथ मैंने अपनी आईब्रोज बना ली है। ब्राउन कलर का टेंट है, ये भी बड़ा हल्का फुल्का सा, ये भी अच्छा था, बहुत हैवी नहीं कर देता था। उसके बाद ये ब्राउन शेड और ये वाला ब्लू शेड के साथ हम सारा आज मेकअप करेंगे। अच्छा कुछ लोग पूछ रहे थे कि ना आप कट क्रीज क्यों नहीं करती हैं, आप टेप लगा के मेकअप क्यों नहीं करती है, डिफरेंट डिफरेंट लुक्स क्या मेरे पे सूट ही नहीं करती। सही बताऊं, हर चीज़ हर बंदे पे जिस तरह सूट नहीं ना करती, मेरे पे बहुत बुरी लगती हूँ मैं, ना मेरे पे काजल सूट करते हैं, ना लाइनर सूट करते हैं, ना कट क्रीज, ना टेप वाला मेकअप, फिर जिस तरह का सूट करते हैं मैं वही करती हूँ, ना पार्लर वालों का हाथ सूट करता है। जब मैंने एक दो दफ़ा ही सिर्फ पार्लर गई हूँ तैयार होने के लिए, बहुत बुरा घर आके मुँह धोना पड़ गया था, अजीब शक्ल बन जाती है मेरी। ये हम लोग ने ब्राउन शेड कर लिया, अब ब्लू लगाने की बारी है। ब्लू देखिएगा ये कॉर्नर्स में लगा रही हूँ, बहुत ऊपर तक नहीं फैलाना ब्लू, जब लगाना है उसको बस हल्का सा ऊपर ब्लेंड करना है। ये जी हम आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके ब्लू लगाएंगे, क्योंकि अगर ब्लू ख़राब हो जाएगा तो आँख का सारी ग्रेस ख़राब हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे, बेशक 10 मिनट लग जाए लेकिन आराम आराम से करेंगे। नीचे से थोड़ी सी चूँच हमने निकाल ली और अब इसको मैं ब्लेंड कर रही थी, क्योंकि कैमरे की तरफ देख के हो नहीं रहा था, फिर सामने शीशा लगा हुआ था, इसको जी अब ब्लेंड कर लेना है।
उसके बाद हम लोगों ने कोई भी शिमर शेड यहाँ पे अप्लाई कर देना है ताकि ब्लू के साथ भी उसकी ब्लेंडिंग थोड़ी सी हो जाए, स्मथ स्मथ सा हो जाए। और अब हमने क्या करना है, ग्रीन और ब्लू को मिक्स करना है और आँख के नीचे हमने अप्लाई करना है ताकि आँख नीचे खाली खाली ना लगे। ये देखिए जी, हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ग्रीन का टच हमने इसलिए दिया क्योंकि थोड़ा सा कलर ब्रेकेज होनी बहुत ज़रूरी थी, ब्लू ही हो जाता। ये मिस रोज़ की पेंसिल बहुत अच्छी है, जो मिस रोज़ की आती है ना उसके अंदर ब्लैक ढक्कन वाले में, वो नहीं अच्छी, लेकिन ये वाली बहुत अच्छी है। ये मिस रोज़ का लाइनर है, इजी टू हैंडल है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद द लैश कंपनी की मेरा ख्याल है ये लैशेज़ थे, ये भी अच्छी हैं और इनको हम दरमियान से कट करेंगे, कॉर्नर्स पे लगाएंगे बिल्कुल। इसका मैं ना प्रॉपर ट्यूटोरियल बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, किस तरह ये लैशेस पूरा दिन आप लगाए रखो, आपकी आंखों को पता नहीं चलेगा कि लैशेस लगी हुई है। देखिए जी, बस जहाँ तक ब्रश लेके जा रही हूँ ना वहाँ तक लैशेस लगी हुई हैं और आगे से है ही नहीं लैशेस। इतनी आसानी हो जाती है, इतनी आसानी हो जाती है, पता ही नहीं चलता। अब जो कॉर्नर्स पे हल्का हल्का रह जाता है वहाँ पे हम लाइनर के साथ सेट कर देंगे। उसके बाद हमने लैशेस लगाने के बाद ये ग्लिटर चंक लगाते हैं, उससे पहले लगाएंगे तो लैशेस चिपकती नहीं है। ग्लिटर चंक को लेके दरमियान में हल्का सा हमने सिर्फ पॉप आउट कर दिया ताकि ज्वेलरी के साथ वो रिफ्लेक्शन आए और वो अच्छा लगे। उसके बाद हमने लैशेस के ऊपर हल्का हल्का मस्कारा अप्लाई कर दिया ताकि और थोड़ी सी लैशेस लगे। नीचे लैशेस पर मस्कारा लगा लिया है। उसके बाद अब मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर, ये भी रिकमेंडेड है, मिस रोज़ का कंसीलर ये भी रिकमेंडेड है, दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं दोनों के साथ बेस बना लूँगी, ये लगाऊंगी और फिर मिस रोज़ का कंसीलर अप्लाई करूँगी। चलें जी, अब ब्लेंडिंग की बारी है, गर्दन पे भी लगा लेंगे। उसके बाद अब मैं ब्रश के साथ ब्लेंड करती हूँ इसको अच्छी तरह। ये जी ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग, और अब बारी आती है, आ जा भाई, अब बारी आती है ये अप्लाई करने मिस रोज़ का ब्लश ऑन। अच्छा, हमने जी बाबा जी पिंकियाँ बाबा जी बांद्रियाँ, अच्छा हमने ज़्यादा सारा पिंक लगा लेना क्योंकि कवाली नाइट पे लाइटिंग्स इतनी ज़्यादा होनी थी, अगर पिंक इतना ना करती ना मेरा गाले पिंक पिंक नज़र ही नहीं आनी थी, तो थोड़ा सा ज़्यादा करना है। ये मिरर का बार बार रिफ्लेक्शन मुंह पे पड़ा था क्योंकि नीचे लाइट रखी हुई थी मैंने हुसन के लिए। ये था हाईलाइटर, किसका था ओरिफ्लेम, नहीं ये हाईलाइटर था फोक्युलर का। उसके बाद रिवाज की मैट लिपस्टिक्स रिकमेंडेड, मेरी तरह से नीचे हल्की सी वैसलीन लगा और ऊपर से ये लगा, बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। अब जी हम रेडी हो गए हैं, अब कांटे शांटे पहनते हैं, नेकलेस पहनते हैं। नेकलेस भी पहना, वो बहुत अच्छा लग रहा था, नेकलेस के बगैर बहुत सूना सूना फीका फीका सा लग रहा था, तो फिर मैंने जी नेकलेस भी पहन लिया। ये दूसरा इयररिंग भी पहन रही थी, उतर ही नहीं रहा था, इतना मोटे थे इसके कान के अंदर जो जाते हैं ना, वो सूए की तरह मोटे थे, टूट गए मेरे कान। लेकिन शकीनी इज़ फर्स्ट और कंफर्ट इज सेकंड। ये जी अब मैं रेडी हो गई हूँ, बाल मैंने खोल लिए थे, डेड स्ट्रेट कर लिए थे उस दिन मैंने बाल। और ये देखें जी, हमने नेकलेस पहन लिया, नेकलेस टेढ़ा है, सीधा करो मरियम, सीधा कर लो, चलो इग्नोर कर दिया मरियम ने मुझे। दोबारा आते हैं, दोबारा ये जी दोबारा मैं आई और अब दोबारा आप लोग को नेकलेस दिखाती हूँ। ये देखें जी, सीधा करो मरियम, टेढ़ा नेकलेस है, हाँ जी ये देखें जी हमने सीधा कर लिया। और ये अच्छा, इयररिंग्स मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, अगर आप लोगों ने लेने हैं इंस्टाग्राम पे लिंक टैग है, लेकिन जो नेकलेस है ना ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, बहुत चुभ रहा था, इतना बड़ा निशान पड़ गया ना गर्दन पे। ये जी फुल लुक थी दुपट्टे के साथ, तो इतना कॉम्प्लीमेंट करा था। ये आप लोग ख़ुद भी सूट बनवा सकते हैं, इस तरह 3D वर्क करवाएं और दुपट्टा इस तरह का बना लें, लॉन्ग शर्ट हो, बहुत प्यारी लगती है। इमामा है तेरा।
अच्छा। और फिर मैंने आपकी वीडियो देखी।